गवर्नमेंट से कुछ शार्प क्वेश्चन किया और पूछा, आर यू नॉट गिविंग अ पिक्चर हियर दैट एंटायर डिपार्टमेंट इज फुल ऑफ इनकम्पिटेंट पीपल एक्सेप्ट फॉर दिस वन पर्सन। हम अपनी पिछली कई वीडियो में आपको ईडी के डायरेक्टर एस के मिश्रा से जुड़ी खबर के बारे में बता चुके हैं कि कैसे उनके टेन्योर के खत्म होने के बाद भी उन्हें एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिल रहा है। अगर आपको याद नहीं तो मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को दिए गए थर्ड एक्सटेंशन एज द डायरेक्टर ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इलीगल और इन वायलेशन ऑफ इट्स 2021 जजमेंट कहा है, लेकिन फिर भी कोर्ट ने उन्हें 31 जुलाई तक का टाइम दिया है टू कंटिन्यू फॉर अ स्मूथ ट्रांसफर। वैसे तो इस बात का तब भी बहुत बवाल हुआ था और कई ऑपोजिशन लीडर्स ने इसका ऑब्जेक्शन किया था, बट जैसे तैसे उन्होंने खुद को मनाया और 31 जुलाई तक का वेट करने का सोचा। पर अब इस मामले में कुछ ऐसा हुआ है कि शायद कोई भी खुद को ना रोक पाए और गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना क्रिटिसिज्म साफ साफ दिखाए। ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, जब आप भी इस न्यू डेवलपमेंट के बारे में सुनेंगे तो आप भी कुछ ऐसा ही सोचेंगे। ये न्यू डेवलपमेंट है क्या, इसे जानने के लिए बी विथ अस टिल द एंड। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। डू यू थिंक डज द सुप्रीम कोर्ट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर इटसेल्फ एंड फॉर इट्स ओन ऑर्डर्स? ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि द सुप्रीम कोर्ट हैड फाउंड दैट द ईडी डायरेक्टर हैड बीन केप्ट इन हिज रोल इन फ्लैग्रेंट ब्रीच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स ओन ऑर्डर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year and 8 months, but far from visiting any consequences upon the executive, the Supreme Court allowed the director to stay on in his role until the end of July to facilitate a smooth transition. अब इसके बाद ये सोचने पर हर कोई मजबूर हो सकता है that whether it has any respect for itself or its own orders. लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है whether it has any respect for the rule of law. दरअसल सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद एन एप्लीकेशन आस्किंग फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द ईडी डायरेक्टर अंटिल द एंड ऑफ अक्टूबर इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट हिज इनपुट वाज नीडेड फॉर द ग्लोबल एफएटीएफ रिव्यू वाज फाइल्ड बिफोर द कोर्ट। कोई भी होता तो वो इस एप्लीकेशन को एकदम रिजेक्ट कर देता और साथ में कॉस्ट भी इम्पोज करता। पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया, ये देखने के बजाय कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एक नहीं बल्कि 2 बार डिसोबी किया गया और ईडी डायरेक्टर को एक्सटेंशन भी दिया गया। आफ्टर अ ब्रीफ हियरिंग द सुप्रीम कोर्ट सैंक्शन अ फर्दर एक्सटेंशन टू द ईडी डायरेक्टर्स टेन्योर इन पब्लिक इंटरेस्ट अंटिल द मिडल ऑफ सितंबर। हाउ शॉकिंग। वैसे तो हियरिंग के दौरान जस्टिस गवई ने गवर्नमेंट से कुछ शार्प क्वेश्चन किया और पूछा, आर यू नॉट गिविंग अ पिक्चर हियर दैट एंटायर डिपार्टमेंट इज फुल ऑफ इनकम्पिटेंट पीपल एक्सेप्ट फॉर दिस वन पर्सन? Is it not demoralizing for the entire force that except for this one person the entire department will collapse? Lekin Tushar Mehta ne apne jawab se bench ko convince kar liya. Advocate Prashant Bhushan ke is urgent application ko gross abuse kehne ke baad aur bench ko ye batane ke baad that if the Supreme Court accepts this application it will make mincemeat of the settled law, the court still extended the ED director tenure. So now, Mr. Mishra is on his 4th extension and 5th year as ED chief to continue till mid-September. Supreme Court ke is faisle ne ye signal kiya hai that in India there is one entity and one entity alone that is entitled to take advantage of its own wrong not once, not twice, but many times over, and that there is only one entity that can refuse to comply with a Supreme Court order and not only get away with it but benefit from it. Aur wo entity aur koi nahi but union government hai. Aisa hum isliye keh rahe hain kyunki Supreme Court ka ye order apne saath do consequences lata hai. One is that Thursday's order will only further embolden the executive to treat the constitution and the law as optional, because not only are there no judicial sanctions for the breach is actively incentivized. ऐसे circumstances में, who would not take the advantage of the impunity that has been so generously offered, wouldn't you? और दूसरा consequence तो और भी long term है. If the Supreme Court is unable or unwilling to enforce its own previous direct orders, not once, not twice, but many times in the face of executive, then what hope, if any, ought citizens to have in its ability or willingness to adjudicate cases involving serious
एंड फार रीचिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीचेस बाय द एग्जीक्यूटिव। तो क्या ऐसे केसेस या कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बनकर रह जाएंगे? वेयर द आउटकम इज नोन एंड एवरीवन सिंपली गोज थ्रू द मोशंस, वी आर अवेयर ऑफ द ज्यूडिक्शंस वेयर दैट इज द केस, एंड अनफॉर्चुनेटली ऑर्डर्स सच एज दीज रेज अ डिसक्वाइटिंग सेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी। इफ यू रिमेंबर, एज अ सीनियर काउंसिल वंस टोल्ड अ कोर्ट, एज नाइटफॉल डज नॉट कम एट वंस, नीदर डज ऑपरेशन, इन बोथ इंस्टांसिस देयर इज अ ट्वाइलाइट व्हेन एवरीथिंग रिमेन्स सीमिंगली अनचेंज्ड, एंड इट इज इन सच ट्वाइलाइट दैट वी ऑल मस्ट बी मोस्ट अवेयर ऑफ चेंज इन द एयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्र फॉर मोर सच न्यूज़।